और अगर इस वीडियो में भी अगर आपको सिर्फ मुंह मुंह ज्यादा नजर आ रहा हो ना, तो प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि अभी तो हेलो माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और अभी मैं जिम करके आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, और अभी थोड़ी देर में फ्रेश फ्रेश होके थोड़ा आपको बताता हूँ मैं कि मैंने क्या क्या किया और क्या एक्सरसाइज थी। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज फिर से मैं आपका अपने ब्लॉग पे स्वागत करता हूँ। और जिम से मैं आज वैसे सुबह फिर नहीं जल्दी उठ पाया मैं, बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहती है सुबह सुबह। कल मैंने आपको बताया था जैसे कि उठूंगा जल्दी, ये करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, वो जिम गया मैं, जिम तो गया लेकिन फिर वही दिक्कत आ गई थी, सुबह आलस के मारे नींद नहीं खुलती है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये सब टाइम टेबल बन जाएगा, एक रूटीन बन जाएगा। जिम गया था और 9-10 बजे के करीब गया था जिम, 1.5 घंटा एक्सरसाइज करी थी पूरा अच्छे से। भाई साहब बंदे ने मेरे को मतलब जो शुरू शुरू की एक्सरसाइज होती है, पहला दिन होता है तो उसमें तो हालत ख़राब हो ही जाती है। धूप अच्छी खासी निकल रही है, आपको दिख ही रहा होगा। जिम से आने के बाद मैंने गर्म पानी पिया था, और जिम जाने से पहले भी मैंने गर्म पानी पिया था। गर्म पानी पीता हूँ और अच्छा लगता है, चाय वाय जितनी भी होती है ये सब बेकार लगती है। अगर चाय कभी पीनी भी हो या पीने का मन कर रहा हो तो फीकी चाय पियो। फीकी चाय पीने से आपका क्या है, कम से कम शुगर तो नहीं होती ना उसके अंदर, चाय के अंदर। अगर उसमें आप चीनी वीनी डाल दोगे तो फ़ायदा कुछ है नहीं, और चीनी डालने के बाद फिर वही आपका मतलब जो मेहनत की है आपने वो बर्बाद हो जाएगी। और कल के ब्लॉग में तो क्या था कि पूरे मतलब चेहरा ही चेहरा नज़र आ रहा था यार। घर में जो फ़ोन है, फ़ोन के कैमरे से जितनी जो कैमरा कवर करता है उतना हम आ जाते हैं अंदर। बाकी ऐसी है भाई, बात तो ये है कि मतलब जो एक्सरसाइज उसने कराई वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कराई थी, और आप घर पे भी बड़े आराम से कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि आप जिम स्टार्ट करो तो वैसे ज़रूरी इतना है नहीं। अगर शुरू शुरू की एक्सरसाइज में आपको बता दूं कि जिम में शुरू शुरू में क्या होता है, तो उसके उसको देख के आप खुद भी घर पे ट्राई कर सकते हो। क्योंकि जो मैं जिम में आज कर रहा था तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं थी कि मशीनरी चाहिए क्या, या मशीन में ही हमें एक्सरसाइज करनी है, तो वो ऐसा कुछ काम था नहीं। और धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी तो मैं आपको धीरे धीरे बताता भी रहूँगा कि मैं क्या क्या मतलब एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और हम लोगों में क्या है ना, हमारी जो मेंटेलिटी है वो ये है कि हाँ भी पैसे दे दिए जिम में, पैसे देने से हम जिम जाना शुरू करेंगे, हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। भी हूँ मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी पैसे दे रहा हूँ जिम जाने के लिए। मैं अगर जिम जा रहा हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि आप लोग को बता सकूँ कि क्या क्या एक्सरसाइज है। और ये व्लॉग सिर्फ मतलब मेरा मतलब ये जो चैनल है इसमें आप ये मत सोचना कि मैं सिर्फ जिम के बारे में बताऊँगा या फिटनेस के बारे में बताऊँगा, ये मतलब हर चीज़ का कंटेंट है इसके अंदर। ये नहीं कि मैं अलग चैनल इसके लिए बनाऊँ, कंटेंट के लिए अलग चैनल बनाऊँ, किसी टॉपिक का अलग चैनल बनाऊँ, तो वो कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं अपने व्लॉग में सारी चीज़ें डालता हूँ, और अभी आपको बताता हूँ कि क्या क्या था। और 1.5 घंटे की एक्सरसाइज करी थी, मिनिमम 1.25 घंटे की, मतलब मैं 10 बजे गया था तो 11:15 मैं फ्री हो गया था एक्सरसाइज के बाद। तो आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या एक्सरसाइज करी थी, और वो बहुत सिंपल है, आप खुद भी घर पे कर सकते हो ट्राई। और उसमें आपको जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज मेरी बढ़ेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। यार एक तो फ़ोन का मेरे को लग रहा है ट्राईपोड लेना ही पड़ेगा, अभी बताने के चक्कर में मेरा फ़ोन 2 बार कम से कम गिर चुका है। तो एक काम करता हूँ, आपको किसी तरह मैं वीडियो के थ्रू आपको बताता हूँ, क्योंकि ऊपर छत पे भी हूँ और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि फ़ोन टिक भी नहीं पा रहा। आपको मैं नीचे या तो नीचे कमरे में जाके आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे एक्सरसाइज थी, और 4 एक्सरसाइज थी। तो ऐसा है, अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है वैसे अभी भी, लेकिन मैंने एक जुगाड़ कर दिया है जिससे अभी मैं आपको बताता हूँ। और देखो आपकी मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज करी थी वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो ये एक्सरसाइज थी जिसमें आपको अपने पंजे मतलब आधा मतलब नीचे जो आपके पंजे होते हैं उसको उठा के आधा जंप करनी है, और सेम एक्सरसाइज आपको फिर ऐसे करना है उछल के।
सेम विद दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आपको हाथ भी ऊपर उठाने हैं, जो पहले वाली थी उसको 20 बार आपको करना है, और ये जो बाद में इसके साथ आपको हाथ भी उठाने हैं उसको भी 20 बार करना है। और तीसरी एक्सरसाइज है, तो तीसरी थी ये, इसको भी आपको 20 बार करना है, और जो चौथी थी, चौथी आपको उठक बैठक करनी है 10 बार। ये चार एक्सरसाइज कर लो और इनके होंगे 3 सेट, मतलब एक जंप आप 3 बार मारोगे, दूसरी जंप 3 बार मारोगे, तीसरी जंप 3 बार मारोगे, जिसमें आप 20 20 बार उछलोगे, और फिर उठक बैठक करनी है आपको, ये 3 बार आपको सेट मारना है 3 का। तो ये थी चार एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई हैं, और इसके अलावा जॉगिंग करी थी वहाँ पे ट्रेडमिल के ऊपर, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपके घर के आसपास पार्क है या रोड बनी हुई है अच्छी सी, तो आप क्या कर सकते हो, वॉक वॉक कर लो वहाँ पे जाके। आदमी को पसीना ही निकालना है मेन, और भागते भागते। और मज़ेदार चीज़ तो और भी वो है कि आपके कानों में लीड लगी हो, हेडफोन लगाओ और गाने सुनते सुनते जितनी मर्जी दूर जाना चाहो चले जाओ, कुछ नहीं पता चलता। खाने को भी देखना पड़ता है कि खाना किस हिसाब से खाना है। जैसे खाने को इकट्ठा मत खाओ, उसको थोड़ा थोड़ा बांट के डिवाइड करके खाओ, उससे क्या होता है ना आपका वेट बढ़ता है ना आपको लगेगा कि अब एकदम से ही पेट पेट जो आप भर लेते हो वो चीज़ नहीं करनी। धीरे धीरे खाओ, उससे आपको भी संतुष्टि रहती है, हाँ भी पेट भरा हुआ है, और खाना जैसे भूख लगती है तो वो भूख भी शांत हो जाती है। तो धीरे धीरे खाओ, ऑयली फूड सब बंद कर दो, बाहर का जंक फूड बंद कर दो। देखो महीने में अगर मन कर रहा है कुछ खाने का, महीने में हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लो कि वो खाना है हमें, वरना अदरवाइज सब बंद कर दो। आप फिटनेस पे जो बंदे ध्यान दे रहे हैं तभी फायदा होगा, वरना तो सब बेकार है। घर में कुछ और बन रहा है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, उस सबको छोड़ के अपना खाना खुद डिसाइड करो आपको क्या खाना है। और अगर इस वीडियो में भी अगर आपको सिर्फ मुंह मुंह ज़्यादा नज़र आ रहा हो ना, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैं ट्राइपॉड लेने की सोच रहा हूँ। ट्राइपॉड लूँगा तो कम से कम क्या है कि थोड़ा हाथ और दूर तक, मतलब मैं हाथ में स्टैंड कर लूँगा स्टैंड को, तो फिर थोड़ी दूर से और बन सकती है वीडियो, तो इस चीज़ को इग्नोर करना प्लीज़, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस टेक केयर।